बढ़ते इसी बीच एक और बड़ी जानकारी है, केदारनाथ धाम में भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। बर्फबारी में भी भक्तों की जो श्रद्धा है वो कम नहीं हो रही है, पहुंचने का सिलसिला जारी है। 21 दिन में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। सोमवार को 22,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। आप आंकड़े पर एक बार गौर फरमाइए, 3 लाख लोग अब तक दर्शन कर चुके हैं। तस्वीरें ये बयान कर रही है कि स्थिति क्या बनी हुई है, क्योंकि देखिए लगातार बर्फबारी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धा का सैलाब इतना ज्यादा है कि लोग बिल्कुल भी कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे में जानकारी यह भी मिल पा रही है कि सोमवार को 22,000 श्रद्धालुओं ने यहां पर पहुंचकर दर्शन किए हैं। तो केदारनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। फिलहाल जो हौसले हैं वो भी श्रद्धा के अनुरूप पूरी तरीके से बुलंद है। भक्तों के तस्वीरें, ये मनमोहक तस्वीरें हैं, श्रद्धालु है वो लगातार पहुंच रहे हैं। संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरीके से 3 लाख जो श्रद्धालु है वो तो पहले ही पहुंच चुके हैं, जानकारी है कि सोमवार को भी लगभग 21,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं, बर्फबारी भी हो रही है उसके बावजूद भी संख्या बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए आस्था का सैलाब है और चार धाम यात्रा से तो जिस तरह से पूरी देश और दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं, यही समय है कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो बाबा केदार हो, बाबा बद्रीनाथ धाम हो या गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, सभी के वो दर्शन करना चाहते हैं और पुण्य कमाना चाहते हैं। यही कारण है, देखिए जब से यात्रा शुरू हुई है, बद्रीनाथ धाम के जब से कपाट खुले हैं तब से लेकर के अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बाबा केदार, बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री की अगर बात करें तो करीब 8.5 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। तो ये समझा जा सकता है कि कितना जो आस्था का सैलाब है वो कैसा है, इससे ये जो फिगर है उससे समझा जा सकता है। इसके अलावा देखिए प्रशासन ने जो 25 मई है वहाँ 25 मई तक पंजीकरण पर भी रोक लगाई है, इसके बावजूद जो है श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। बर्फबारी लगातार केदारनाथ बद्रीनाथ में हो रही है। 25 तारीख तक मौसम जो है वो बदलने के जो पूर्वानुमान है मौसम विभाग ने वो जारी किया है। इसके अलावा पिछले 2 हफ्तों से लगातार वहां पर बर्फबारी हो रही है, इसके बावजूद भी जो लोग हैं उनका जो आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। करीब दिन प्रतिदिन की अगर संख्या की बात करें तो 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु प्रतिदिन केदारनाथ धाम में जो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब से जो यात्रा है वो शुरू हुई है तब से लेकर अब तक अगर इतनी फिगर है तो आगे जो यात्रा है तो आगे जो चलने वाली है, यानी अब जो छुट्टियों का सीजन बच्चों का है और यात्रा सबसे जो अपने चरम पे पहुंचने वाली है तो कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे। फिलहाल ये है कि अभी फिलहाल पंजीकरण 25 मई तक रोक दिए गए हैं मौसम के एहतियात, और जो लगातार श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि मौसम को देख करके वो अपनी यात्रा शुरू करें। जी ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।